हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए एक और मेडिसिन लेकर आया हूं जिसे हम जानते हैं साइपॉन ड्रॉप्स के नाम से। दोस्तों, मैं आपको इस ड्रॉप की सारी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे, इसे कैसे इस्तेमाल करना उसके बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी इसकी प्रीकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिसिन को लेकर डाउट है या किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के भी शुरू करते हैं। दोस्तों, साइपॉन ड्रॉप्स आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसे जो कंपनी बनाती है वो है जीनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, इसकी बेसिक बातें जाने तो ये 15 ml की एक ड्रॉप होती है जिसकी MRP 54 रुपये होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। तो दोस्तों, इसके अंदर दो साल्ट होते हैं, पहला साल्ट है साइप्रोहेप्टाडिन 1.5 mg, दूसरा है इसका ट्राइकोलाइन सिट्रेट 55 mg। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस ड्रॉप को लॉस ऑफ एपिटाइट में यूज़ किया जाता है, मतलब दोस्तों भूख कम लगने में इस ड्रॉप को यूज़ करते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती या कम लगती है, और इसके अलावा दोस्तों उनका वज़न भी बहुत कम होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, अगर आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे तो उनका शरीर भी सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भूख लगेगी तो खाएंगे भी। तो दोस्तों, साइपॉन ड्रॉप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और दोस्तों इस ड्रॉप को एलर्जिक कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में। तो दोस्तों, ये ड्रॉप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग और उसके वेट के अकॉर्डिंग इस ड्रॉप को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम जो आपको जानकारी देते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, कृपया करके हमारे किसी भी वीडियो को देख के किसी भी मेडिसिन का उपयोग ना करें, अगर उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, हम नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस ड्रॉप को लेने के बाद आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट इस ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इससे लेने से पहले एक बार इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए और इसके ओवरडोज ना लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी साइपॉन ड्रॉप्स के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।